I will tell you how to write Hindi alphabets. हम हिंदी अल्फाबेट्स को अपनी नोटबुक पर प्रॉपर मैनर में किस तरीके से राइट करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. ओके, तो आज आप सीखेंगे ना कि किस तरीके से हम हिंदी अल्फाबेट्स को राइट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आ से अना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन थ्री लाइन्स में राइट करेंगे. वी राइट दीज थ्री लाइन्स. ओके, मेक अ स्मॉल सर्कल एंड अगेन स्मॉल सर्कल. ठीक है, डोंट पुट योर पेंसिल. अपनी पेंसिल को हटाएंगे नहीं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, टेक अ स्मॉल स्ट्रेट लाइन एंड स्टैंड लाइन. ओके, सो इट इज अ. अगेन हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, टेक अ स्मॉल लाइन एंड स्ट्रेट लाइन. सो इट इज अ. छोटे आ के बाद हमारा क्या आता है? बड़ा आ, यानी कि बड़े आ से आम. देखो मैम ने आम भी बनाया है ना. हाँ, बड़े आ से आम. सो राइट हाफ सर्कल, डोंट पुट आउट योर पेंसिल. अगेन हाफ सर्कल, टेक अ स्मॉल स्ट्रेट लाइन एंड स्टैंड लाइन एंड अगेन स्टैंड लाइन. क्योंकि हमारी बड़े आ पर टू लाइन्स होती है ना, वैसे ही अगेन रिपीटेड स्मॉल हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, टेक अ स्मॉल लाइन, स्टैंड लाइन एंड अगेन टेक अ स्टैंड लाइन. ओके, अल्फाबेट क्या होता है हमारा? व्हाट इज नेक्स्ट अल्फाबेट? छोटी ई. ई से इमली. देखो मैम ने छोटी ई से इमली बनाई है ना, मैम ने ड्रॉ की है ना. अब हम इसको राइट करना सीखते हैं. ओके, सो नाउ टेक अ स्मॉल लाइन एंड हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल एंड मेक अ टेल. ओके, लाइक इट. अगेन रिपीटेड स्मॉल स्टैंड लाइन, हाफ सर्कल इन अपोजिट डायरेक्शन, मेक अगेन हाफ सर्कल एंड मेक अ टेल. मैंने आपको बताया ना कि जो हम छोटी ई बनाते हैं, पहले हम एक स्मॉल लाइन लेते हैं, हाफ सर्कल बनाते हैं, देन अपोजिट हाफ सर्कल बनाते हैं, फिर हम उसकी टेल बनाते हैं. वैसे ही हम बिल्कुल सेम बड़ी ई बनाएंगे. ठीक है, सो नाउ राइट इट. टेक अ स्मॉल लाइन, हाफ सर्कल, अपोजिट डायरेक्शन हाफ सर्कल, मेक अ टेल. बस इसमें हमारी वन थिंग एक्स्ट्रा होती है, वो होती है हमारी बड़ी ई की मात्रा. लाइक अ fly. Okay, again write it, small line, half circle, again opposite direction half circle, make a tail and draw a marker. Small line, half circle, then in opposite direction half circle and make a tail and make a mantra. तो आज मैम ने आपको क्या बनाना बताया? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईद. तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस बुक है ना आपकी, लाइक दिस बुक है ना, तो आप अपनी बुक पर आज इन फोर वर्ड्स का, इन अल्फाबेट्स का क्या करेंगे? दोबारा से राइट करके देखेंगे. ओके,